नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये सुंदर से समर पिटूनिया के साथ। तो देखिए बहुत सुंदर फ्लावर खिले हैं मेरे पास, वाइट कलर के हैं। और ये ऐसा प्लांट है कि एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो ये अपने आप उगता रहता है। और इसे मैंने एक बार ही लगाई थी, तब से ये मेरे गार्डन में अपने आप होता रहता है। और इधर मेरे ये रियो के प्लांट देखिए, और उधर मेरे पर्पल हर्ब लगाई हूँ। तो समर में ये भी बहुत अच्छा लुक देते हैं, इसे भी ज़रूर लगाएं। और इधर थोड़े से मेरे बोगनविलिया में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इधर मेरे देखिए जीनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। और ये मेरे ग्लाडिया के हैं। और इधर मेरे डेंथस, और ये जो मेरा डेंथस है ये मेरा कटिंग से किया गया रेडी हुआ है, तो इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। और इधर ये मेरे देसी सदाबहार, और ये मेरे हाइब्रिड हैं। और इनके पीछे ये लगा है ग्रोमफेनो, अभी इनमें फ्लावरिंग होने वाली है। तो थोड़े से ही फ्लावरिंग प्लांट लगाई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाई हूँ। तो जैसा कि आज हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश हुई थी और मानसून भी आ गया है, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मौसम भी चेंज हो गया है, तो ऐसे में हमें कुछ कटिंग लगा लेनी चाहिए फ्रेंड। तो मैं भी कुछ आज कटिंग लगाने जा रही हूँ, तो आज मैं मनी प्लांट की कटिंग लगाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। ये मेरे थोड़े से मनी प्लांट हैं जो मैं पानी में लगा रखी थी, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी थी कि देखिए घर के अंदर भी कैसे इसकी लीव्स बर्न हो रही है। और अब समय बहुत अच्छा आ गया है, मानसून का टाइम है, तो इस समय आप कोई सी भी कटिंग लगा सकते हैं। और मनी प्लांट तो बहुत अच्छा होता है, वास्तु दोष के हिसाब से भी इसको लोग लगाना पसंद करते हैं, और अपने घर को सजाने के लिए भी। तो मेरे पास ये तीन तरह की वैरायटी हैं। एक ये है जो, तो ये हार्ट लीफ पोथोस है, और इसको मैंने पानी में थोड़ा दिन रख दी थी तो थोड़ी बहुत रूट आ गई है। और दूसरा है ये देखिए, ये है नियॉन वैरायटी का है ये, तो इसमें भी थोड़ी बहुत जड़ आ गई है। और ये एंजॉय है, बहुत सुंदर लगता है, वेरिएटेड लीव्स हैं इसकी, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर लगाएं इस तरह की वैरायटियां। और मेरे पास जो नॉर्मली होता है जो गोल्डन पोथोस, वो मेरे लगा हुआ है, हम अपने घर के गेट के आगे वहाँ पर लगा रखे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा प्लांट हो रखा है, तो इसको मैं लगाने जा रही हूँ। तो इस तरह ये मेरे गार्डन की सॉइल है, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाई थी फ्रेंड, कुछ भी मतलब खाद वाद कुछ नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि मैं अपना जो भी प्लांट लगाती हूँ तो उससे पहले उसमें किचन वेस्ट या अपने गार्डन की जितनी भी सूखी पत्ती होती है सब डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है। तो वो मैं दिखा नहीं पाई। ये देखिए ये पोटैटो पील्स है जो पूरी तरह से कंपोज नहीं हुए, तो बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो इससे मैं जो मैं नए गमले लाई थी उसमें लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने दो में मिट्टी तैयार कर ली हूँ, और ये जो है इसमें मैंने ये थोड़ी सी सूखी लीव डाल दी हूँ नीचे, इसमें मैंने सिर्फ सूखी पत्तियाँ ही डाली हूँ जो मेरे गार्डन की हैं, और इसमें मैं मिट्टी डाल दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए मैंने अपने ये तीनों गमले मिट्टी से भर लिए हैं, और इधर मेरा ये मनी प्लांट मैं पानी में डाल रखी हूँ, और मनी प्लांट बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें पहले पानी डाल दूँगी और फिर मैं अपने प्लांट को लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ, और मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई है, और देखिए सब पानी नीचे से अच्छी तरह से नीचे निकल जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, और इस तरह से गीली मिट्टी करके और फिर मैं इसमें बड़ी आसानी से लगा दूँगी जो भी मेरे प्लांट हैं। तो बस अगर हमारी मिट्टी गीली हो जाती है तो बस थोड़ा सा हम गड्ढा करते हैं और इसी में अपने मनी प्लांट को लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मनी प्लांट लगा दूंगी मैं, बहुत आसान होता है लगाना। ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती हूँ गार्डनिंग में, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। इसी तरह से दूसरे में भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी, और सारा काम अपने आप ही करना पड़ता है, तो
इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। और देखिए इसमें जड़ें भी आ गई हैं, तो जड़ों को भी सही से करके और फिर लगा दूँगी। और बहुत खूबसूरत वैरायटी होती हैं ये, और ये छोटे से गमले में लग जाती हैं। ये जो हैं ये ज़्यादा हाइट नहीं जाती हैं इनकी, अगर हम मेंटेन करके रखना चाहें तो इन्हें कम हाइट में भी रख सकते हैं, और अगर चाहेंगे कि हाँ इनको थोड़ा और ऊंचे आकार में दें तो मोस्टिक लगा सकते हैं। फ्रेंड देखिए इस तरह से ये मेरे तीनों वैरायटी वाले लग गए हैं मनी प्लांट। और जो भी विगनर होते हैं जिनसे जल्दी मनी प्लांट नहीं लग पाता है, वैसे तो मनी प्लांट आसानी से लग जाता है, तो वो लोग चाहे तो पहले पानी में ग्रो कर सकते हैं और फिर उसके बाद मिट्टी में लगा देंगे। क्योंकि गर्मियां बहुत तेज़ चल रही थी उस समय, तो मैंने इन्हें पानी में ही ग्रो कर दी थी, क्योंकि अगर सॉइल में लगाती तो वो चलते नहीं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था। और देखिए बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट पकड़ लेंगे, तो इनका अपडेट ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से आप लगाइए, मनी प्लांट बहुत ही शुभ होता है। और जो इस तरह के प्लांट होते हैं इनमें भी ऊर्जा पाई जाती है, जो हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और वास्तु दोष के हिसाब से तो मनी प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आर्थिक तंगी को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि को बनाए रखता है। और तो मनी प्लांट ज़रूर लगाइए। और मेरे पास इसकी ये तीन वैरायटी हैं, और एक चौथी जो गोल्डन पोथोस होता है देसी वाला, वो भी है, तो वो हम घर के आगे लगा रखे हैं। तो इस तरह से आप लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी में आजकल मिलते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड नमस्ते।